साथियों हम तो यहाँ आए थे सांप छोड़ने के लिए, एक नाग और दूसरा नागिन। दो दिन पहले नाग और नागिन का जोड़ा हमारे द्वारा पकड़ा गया था और उस सांप को हमने आज रिलीज कर दिया। कहाँ पकड़े थे बाबा? पकड़े थे एक फॉरेस्ट में, सफाई की जा रही है, काफी संख्या में लोग यहाँ मजदूर देखे, काम मिल रहा है, रोजी रोजगार है, सबको रोजी भी मिल रहा है। लेकिन जाते जाते हम ये जो समाज के लोग हैं, सभी गांव के लोग हैं, एक बात मैं इनको कह के जा रहा हूँ कि देखिए, जब भी सांप काट ले, चाहे जंगल में काटे, घर में काटे, खेत में काटे, कहीं भी काटे, तो तुरंत आप जैसे कि देखिए सांप काटता कहाँ है, पैर में यदि काटेगा तो ठेंगा से नीचे काटता है और हाथ में काटेगा तो यहाँ से नीचे काटता है, ठीक चिमटम है, उससे ज्यादा नीचे ऊपर नहीं काटता है। जब भी सांप काटे तो पहला नंबर सांप काट ले तो करैत सांप काटेगा रात में सोने के समय, दिन में नहीं काटता है। तो करैत सांप जो है उसको साइलेंट किलर बोला जाता है, रात में चुपके से आएगा, फिर नीचे घुस जाएगा और आपको काट लेगा। आप सोचेंगे कि कोई कीड़ा काटा, कोई चींटी काटा, तब तक में क्या होगा कि सुबह में छोड़ दो उड़ जाएगा। तो उस पर ध्यान देना है, बरसात का समय जमीन में नहीं सोना है और सोने के समय जो है आपको मुसारी वगैरह अच्छा से छाड़ लेना है, मुसारी को बढ़िया से पैक कर लेना है ताकि उसके अंदर सांप प्रवेश नहीं करे। घर में एक और सांप होता है सैकड़ा, जो कि घर के छप्पर वगैरह में गांव में होता है, तो वह जो सांप है जहरीला नहीं होता है, उसे डरने का जरूरत नहीं, ठीक। दूसरा सांप है ये आपका ये नाग, कोबरा प्रजाति का। तो कोबरा प्रजाति में जो है तो बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं, काला होता है, गोरा होता है, सफेद होता है, तो सब नाग ही है और सब जहरीला होता है। यदि वैसा सांप आपको दिखे तो पहला नंबर है कि आप उसको मारे नहीं, इसलिए कि सांप आप हमारे लिए हमारा मित्र है, दुश्मन नहीं है, नहीं है। लेकिन सांप को काटने की जो प्रवृत्ति है वह ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उस पर पैर पड़ेगा तो वो काट लेगा, लेकिन नहीं ऐसे नहीं काटेगा। लेकिन नाग का एक गुण होता है, हम जैसे रास्ते चल रहे हैं यदि वहाँ सांप है अंधेरा में तो वहीं से फुफकारेगा वो, ठीक है, फुफकारता है, आपको बताएगा कि हम यहाँ पर हैं, तो आप रास्ता छोड़ दीजिए। या यदि मिल गया कहीं घर में आप देख लिए तो आप बुलाइए, उसको पकड़ा जाएगा, पकड़ के सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा, हमारा दुश्मन नहीं है, मित्र है। और यदि सांप तुरंत नाग काट ले तो तुरंत अस्पताल जाइए। एक है रसल वाइपर, जिसको आप लोग तिहरचंद बोलते हैं, है ना, कोई सिटी वाला सांप बोलता है, ये हमारे पहाड़ों में बहुत मिलता है, तो वह काफी जहरीला होता है। इस प्रकार का ये करैत, नाग और रसेल वाइपर, तीनों सांप जब आपको सांप काट ले, पैर में काटे, हाथ में काटे, तुरंत आप यहाँ पर एक रस्सी बांधिए और सीधा हॉस्पिटल जाइए, झाड़ फूक मत कराइए। यदि झाड़ फूक कराना है, कराओगे तो जान चला जाएगा मंगनी में, ठीक है ना। झाड़ फूक कराने से उसका विष जो है नहीं आएगा बाहर, विष बाहर नहीं होगा, उसमें विष रहता है। अब यहाँ इंजेक्शन लगा देंगे तो विष आएगा, उसको कहेंगे बाहर करो, करेगा नहीं, हो सकेगा। तो इस चीज को समझ लो, सांप काटेगा तो उसका जो जहर चला गया थैली से, तो वह जहर झाड़ के नहीं आएगा बाहर, उसके लिए दवाई है, बैनम का इंजेक्शन दिया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन रसेल वाइपर यदि काट लेगा तो रसेल वाइपर बेहद ही खतरनाक है, उससे आदमी बच पाएगा या नहीं यह कहना मुश्किल है, क्योंकि वह जैसे ही काटेगा वैसे ही आपका मांस को तो एक गलाता है, शरीर को पूरा शरीर गला देगा, फुफला फुफला हो जाएगा पूरे शरीर में, दवाई चलने के बाद भी, है ना, उस पर कोई गारंटी नहीं है, उस पर कोई गारंटी नहीं। लेकिन रात बिरात को यदि हम चलते हैं, गांव में लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, अंधेरा है, खेत खलिहान जाते हैं, तो वहां पर आपको लाइट रखना है, टॉर्च रखना है, सावधानी बरतना है। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, थोड़ा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कोई गाड़ी वाला आकर ठोक देगा, ठोकेगा ना, तो उसी तरह से ये सांप है, ठीक, समझ में आ गई हमारी बात। और बाल विवाह नहीं करना है, छोटा बच्चा का शादी नहीं करना है, ये भी बता दिए, है ना, छोटे बच्चे का शादी नहीं करना है, तो पकड़ा जाएगा, जो जेल चला जाएगा सीधा। डाइन जोगिन से दूर रहना है, कोई गांव में यदि बोलता है कि फलानिया डाइन है, तुरंत आइए थाना पर, उसके नाम से FIR कीजिए, फलाना आदमी बोल रहा है कि डाइन है, इन्हें कि उसको मार दिए और उसके बाद मर गया, उसके बाद चल गए जेल, तो जेल जाना नहीं है, समझ गया तुम लोग, नियम कानून को समझो, पढ़ोगे तब ना, किसी को मार दोगे गुस्सा में तो फिर क्या होगा, पुलिस छोड़ेगी क्या, नहीं नहीं छोड़ेगी, तो जीवन तो बर्बाद हो गया, तो इसलिए किसी को ऐसा नहीं बोलना है, बोलने के बाद जेल हो जाएगा।
ठीक, बंद कर दो उसको।